कैसे हो गाइस? तो गाइस आज जा रहे हैं हम हस्तनापुर। तो गाइस ब्लॉग में प्लीज बने रहना और ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी मजेदार। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो गाइस मिलते हैं आगे। आ चुके हैं जम्मू द्वीप पे और वेलकम है आपका हस्तनापुर में गाइस। तो अब चलते हैं अंदर प्रवेश। तो गाइस सबसे पहले मिलता है हमको कमल मंदिर। तो यहाँ पे फोटो खींचना और वीडियो बनाना अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर। ये एक जैन मंदिर है बहुत बड़ा और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे हम पास में गए, बहुत ही अच्छा लगा, पर अंदर से फ़ोटो शूट नहीं कर सकते। तो गाइस चलते हैं हम आगे की तरफ। तो गाइस हम आगे की तरफ आ चुके और हमें दो मूर्तियाँ दिखी और हमने बहुत प्यारी प्यारी फोटो शूट की यहाँ। ये पहली फोटो तो बहुत ही प्यारी आई थी, दूसरे में तो मैं पानी पी रही थी, तीसरी भी बहुत प्यारी थी। फिर आगे चल लिए और देखो मेरा मन कर रहा नवीन को चिढ़ाने का। देखो मैं नवीन को चिढ़ा रही थी। तो गाइस अब धीरे धीरे आ चुके हम आगे। हमें दिखा यहाँ पे एक हाथी। ये असली हाथी तो था नहीं, पर ये नकली हाथी था। पर यहाँ पे हाथी की भी सवारी होती, दिखाते हैं आपको। तो मैं चल दिया टिकट लेने की तरफ। तो यहाँ पे अंकल जी के पास आया मैं। यहाँ पे एक बंदे का था 20 रुपये का टिकट, तो मैंने यहाँ पे लिए 4 टिकट, 2 हाथी के, 2 ट्रेन के। तो अंकल जी को मैंने पैसे दिए। बीस रुपये में 2 चक्कर थे सिर्फ। तो मीरा बहुत खुश हुई ट्रेन में बैठ के। मैंने पकड़ा बाबू को, मीरा का लेस खुल गया था तो मीरा लेस बांधा और हम चल दिए अब एरावत हाथी की। तो गाइस अब आ चुके हम हाथी के पास। ये हाथी नकली है पर सवारी ऐसे लगता है असली पे कर रहे हैं। तो गाइस आ चुके हम सीढ़ियों चढ़ के एरावत हाथी पे। तो गाइस हम बैठ चुके हैं। ये तो हमारा हाथी स्टार्ट होता है। देखो गाइस ये तो गाइस एक ही चक्कर लगाते हैं 20 रुपये में। तो हम आ चुके हैं उतरने की तरफ। तो गाइस यहाँ पे चल रही थी शूटिंग और मीरा खेल रही थी बाबू के साथ। तो फिर हमारे बाबू ने खेला, फिर हम चल दिए आगे की तरफ। तो यहाँ पे मिली हमको 2 अंटियाँ यहाँ पे घास काट रही। तो इन्होंने पूछा आपके हाथ कैसे, आपका हाथ छोटा कैसे, मैंने बताया बचपन से। फिर वो चली गई और फिर हमारे बाबू ने यहाँ पे कह दी थी कोटी और फिर मैं एक डाइपर निकाला बैग में से। फिर मीरा ने साफ किया, यहाँ पे नल वगैरह लगा हुआ था। तो मीरा ने फिर पानी पिया, पानी पी के हमने थोड़ी बहुत रील बनाई। मैं आया फिर बोट की तरफ। तो देखा तो यहाँ पे कुछ लोग बाहर के आए हुए थे, यहाँ पे मतलब नेपाल वगैरह से आ रखे थे, मतलब इंडियन लड़का था और इंडियन बच्चे थे पर वाइफ नेपाल से थी। तो यहाँ पे मना किया हमको कि हम तो पास के ये दूर के यहाँ पे इनको बोटिंग करने। तो भाई काफ़ी मज़ा आया घूमने के।
वापस कुछ खाने के लिए घूम भी गया। तो यहाँ पे सामान खाने का यहाँ पे हमने दिखाई पानी पूरी। तो अब हम चल पड़े हैं आगे की तरफ। यह है कैलाश मंदिर, जैन मंदिर है यहाँ पे। और हमने जूते चप्पल बाहर उतार दिए। तो हम चल दिए अंदर की तरफ। तो गाइस यहाँ पे महाभारत के पांडव वगैरह रहते थे यहाँ पे, ज़्यादा कुछ तो हमको पता नहीं है। ये देखो बहुत ही अच्छा मंदिर है यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखो गाइस ये देखो यहाँ का नज़ारा देखो आप एक बार। तो मैंने बाबू को अंदर टांग लिया था, मैं जा रहा था ऊपर की तरफ, बहुत ऊपर गए हम। ये देखो पीरा तो मज़े से चढ़ रही थी। गाइस ये जगह तो मुझे बहुत ही अजीब लगी और बहुत डर लग रहा था। देखो नवीन तो भागे चले जा रहे हैं, मैं तो पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत ही डर लग रहा था। तो गाइस यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई थी, यहाँ पे थोड़ा पूरा नीचे तक दिख रहा था। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो गाइस अब आप वापस जा रहे हैं जैन। ओ यहाँ पे मिले मेरे को फ़ैन, मेरे जहाँ पे भी जाता हूँ मेरे को फ़ैन ज़रूर मिलते हैं, मेरे इंस्टाग्राम फ़ैन। तो यहाँ पे मेरा सूस पनार थी मीरा। अब चलते हैं दूसरे मंदिर की तरफ। गाइस मंदिर तो मिला हमको बंद, हमने गार्ड से रिक्वेस्ट की तो गार्ड ने हमको पहले तो मना किया, फिर बाद में बुला लिया चलो भाई चले जाओ थोड़ा सी दूर। हमने बताया दूर से है। तो गाइस यहाँ पे अगर आओ तो हसनापुर में इस मंदिर में ज़रूर घूम के ने आना, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही अच्छा है, 7 मंजिल है। यहाँ पे बोलते हैं अगर भाई बहन इसके ऊपर चढ़ जाते हैं तो फेरे हो जाते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो गाइस गार्ड ने हमको आगे जाने के लिए मना किया, ज़्यादा दूर मत जाना। तो हमने थोड़ी फ़ोटो टू शूट किए, वीडियो बना ली थोड़ी सी हमने। अगर ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हसनापुर का तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस।